आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। चल बिल्कुल सही बात बोल के गवाह अभिमन्यु, अरे तुमका काटे के जैसे चुभ रही है। बाकी जवाब तो तुमका ही बात का दे के पड़ी का, तू का तो क्या औकात दिखाए के निकाल दिए, भगाए दिए। बाकी हम तो तुम्हारे जायज बेटा है ना, तो हमारा पूरा हक बनता है तुमसे पूछे का। अब हमका जवाब दे, जब खुद ही पाप किए हो, खुद एक छोटी जात की औरत के साथ रिश्ता बनाए हो, एक तो बेटा पैदा किया, तो फिर काहे अपन बिटिया अपन लड़की, जब साला कोनो छोटी जात का रिश्ता बनाए, तुमका परेशानी हो रही है, काहे उका मारने जा रहे हो। बोलो जवाब दो। घुमरिया कर, हमार कोनो बराबरी ना है ना। अला हम मर्द हैं, दिन भर कूड़े करकट में घूमते हैं, कोनो गंदगी लपेट के घर पे नहीं लेके आते, लेकिन वो पिटिया है, औरत है, औरत की पिटिया ठाकुर खानदान की इज्जत होती है, उनका कोनो हक नहीं देगा साला कोनो दिल लगाए बैठे, घर परिवार की मान मर्यादा की धज्जियां ऐसे उड़ा दे, कोनो का हक नहीं ना। कल को ये सब साला जब समाज में पता लगेगा तो क्या होएगा, दुनिया का सोचेगी, विधवा है वो। बाऊजी, कोमल भाभी विधवा है तो क्या उन्हें जीने का कोई हक नहीं है? क्या वो अपनी पूरी जिंदगी अपने अतीत की छाया में बिताएगी और अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाती रहेगी? अगर यही चीज कृष्णा या फिर शक्ति भैया के साथ हुई होती तब भी क्या आप ऐसा ही सोचते? नहीं बाऊजी, आपने तो शक्ति भैया की दूसरी शादी केसर दीदी के जिंदा होते हुए करवा दी थी। बाऊजी, एक मर्द अपनी बीवी के मरने के बाद 13वीं तब भी नहीं मना पाता है क्योंकि उसके दूसरे रिश्ते की बातें शुरू हो जाती है, लेकिन जब एक औरत का पति मर जाता है तो वो बस सिर्फ अपने पति की यादों में अपनी जिंदगी बिता देगी, ये कहां का इंसाफ है बाऊजी? अगर एक औरत घर की मान मर्यादा के लिए जिम्मेदार है तो मर्द भी उतना ही जिम्मेदार है, और मर्द कौन होता है इसका फैसला करने वाला? उसे कोई हक नहीं है उसकी मनमानी करने का, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पुरुष है, उन्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद लेने का। माननीय वकील साहिबा कृष्णा सिंह, बकायती बिल्कुल नहीं, अपना ज्ञान अपने पास रखो, तुमको बता दिया, सब की जड़ जो है तुम हो, हवेली में जौन हो रहा है कि जड़ तुम हो, जब से सला आई हो पूरी हवेली में हाहाकार मचा हुआ है। हमारी कोमलिया ऐसी नहीं थी ना, नहीं थी, इसलिए तुम्हारे संगत तुम्हारे सबके परिवार में जाके ऐसे हो गई, इतना निकृष्ट काम कर गई। बाऊजी को कुछ नहीं समझा, उसकी इज्जत नहीं समझी, इतनी हिम्मत हो गई। एक चीज तुमका और बताया था कि बबुआ है ना साला, बबुआ है, बबुआ तुमको अपनी खोपड़ी पे बैठाए के रखे है साला, पता नहीं कौन सा तुम जादू ओकरे ऊपर कह दिए हो। अलग जात बिरादरी में शादी किया, अपनी बहन को, छोटी बहन को हुआ आग में झोंक दिया। ना हमारी कोमलिया ऐसी नहीं थी, कोमलिया के इतने पर निकल आवे कि वो घर से बाहर निकले की सोच सके। बाऊजी, कोमल भाभी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसकी वजह से आपकी इज्जत जाए। पता नहीं आप लोग बिना सोचे समझे क्या क्या कयास किए जा रहे। कोमल भाभी अगर कार्तिक के साथ भागना चाहती थी तो वो अपने साथ चिंकी को लेकर क्यों जाती? और ये भी तो सोचे कि कार्तिक ने खुद आपको फोन करके बताया था, अगर वो भागना ही चाहता था तो फिर वो ऐसा क्यों करता? हम मानते हैं कतिकुआ साले ने खुद हमको फोन करके बताया, लेकिन वो बखत का है नहीं बताया, साला रात में फोन कर सकता था, सवेर होने का इंतजार करता रहा। हम कुमारिया को छोड़ेंगे नहीं, हमारे पुरखन की इज्जत फालतू न, क्योंकि
धज्जी उड़ाए किसना बहु बता दिया, सबक सिखाएंगे ओकरे आशिक ताले को भी तो सबक सिखाएंगे बेटा, सबक कहां हाथ डाला, ठाकुरन के घर में हाथ डाला है, ठाकुरन के घर में। ए यार बाबूजी ऐसे यहाँ बातें करते रहोगे कि वहां चलोगे यार, वहां से साला कहीं और अपुचा करो ही जाएंगे, चलो यहाँ से। सज्जन जरा ठंडे दिमाग से सोचो, उन लोगन का मारे से कोनो फायदा नहीं है, तुम ऐसा करो कि कमलिया का ही ले आओ, हम सब लोग मिलके समझा ले वो का। ए ए घंटीलाल दिखाओ पढ़ाओ ना, शांत रहो, तुमको अभी बता दिया कि कुमलिया जो है ना दोबारा ई हवेली में नहीं आएगी, नहीं आएगी, बता दिया। शोक मनाने खातिर तुमको बाहर जाना पड़ेगा, बता दिया, सबको शोक मनाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन कुमलिया ही हवेली में मंजूर नहीं ना। ए, सक्तिया, चल। ए भौजी रुक जाओ, तुमका कहीं ना जाए देंगे, कुमलिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारे सामने से हट जा साला, वैसे तो परिवार की इज्जत की मिट्टी पलीत कह चुका है, आड़िया से नहीं हटेंगे। ए पकड़, पकड़ेगा। ए छोड़ो उनका, जाप जब पकड़ेगा बाबूजी। नहीं प्लीज, ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े, हम आपसे विनती करते हैं प्लीज। पछताना न पड़े यही लिए ही कदम उठाए रहे हैं बहुरिया, हट जा आगे से। ए चलिया दस के पकड़ेगा साले। बाबूजी 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 हमारी बात सुनिए, बाबूजी बाबूजी सुनिए। अच्छा क्या करा? अरे यार बाबू देखो सालों का, ए बाबू कुछ करा सालों का यार। सबके सब एक खड़े रहो, बंदूक नीचे नीचे कर कर बंदे ठोक देंगे, बता रहे नीचे रख नीचे कर, अबे निकलो ऐसे, जान बचाए के भागो। कृष्णा 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 रुक जाओ। मम्मी हम लोग अभी तक घर क्यों नहीं गए, और वो अंकल हम लोगों को क्यों मारना चाहते हैं? चिंकिया तुमका ना कौनो भी नहीं मारेगा, और तुमका ना डरने की कौनो भी जरूरत नहीं, हम ना बहुत जल्दी घर चले जाएंगे, और तुमका ना कौनो भी नहीं मारेगा। नहीं, हमें अब भी घर जाना है दादाजी के पास, वो अंकल बहुत गंदे है, फिर ये आकर हम लोगों को मारेंगे तो। अरे आओ इधर आओ बेटा, वो नहीं आएंगे यहाँ पर, और अगर वो यहाँ पर आए तो उनकी हम जम के पिटाई करेंगे। देखो आपके लिए वेफर्स और ये बिस्किट लाए, आपको ये पसंद है ना? ये सब खाओ। पता है आपके नाना जी को भी फोन करके बोल दिया है, आपके नाना जी हमें लेने यहाँ आ रहे हैं। सच्ची सच्ची मुच्ची के साथ घर चले जाएंगे। हाँ। अब वो गंदे अंकल ना हम लोगों को नहीं पकड़ पाएंगे। बाबूजी का भी ना कुछ पता ही नहीं चलता, कभो कभो मोम बन जाते हैं और कभो कभो पत्थर, कभी कभी हमका ऐसा लगता है कि उनका ना अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, और कभो कभो हमका लगता है कि उन्हें हमरे लिए अपनी जान तक दे सकते, बाकी तुम देखना। जैसे बाऊजी को अभिमन्यु वा की असलियत के बारे में पता चलेगा ना, उन्हें अभिमन्यु को छोड़ेंगे नहीं, खत्म कर देंगे उनका, अपनी जान से ना हाथ धो बैठेगा उस साला धोखेबाज। तो क्या नाना जी उनको मारेंगे? मम्मी जान से हाथ धोएगा मतलब? अब बेटा इसका कोई मतलब नहीं, मम्मी गुस्से में है ना इसलिए ऐसा बोल रही है,
कोई किसी को नहीं मारेगा, सब लोग हैप्पी हैप्पी रहेंगे। मम्मी को खिलाओ। और चिंकी का पता चल गया, वो लोग कार्तिक के साथ है और वो लोग किसी चित्रकूट रोड पे जसरा नाम की जगह पर है। ये क्या कह रही हो तुम, जसरा? अरे लेकिन वो लोग वहाँ पर। पापा परेशानी की बात तो ये है कि जैसे ये बात बाऊजी को पता चली, वो अपने आदमियों के साथ बंदूक लेकर निकल पड़े उन्हें ढूंढने के लिए, और कह रहे थे कि आज वो सबको खत्म कर देंगे चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। पापा कोमल भाभी और कार्तिक की जान खतरे में। पापा इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए हमें उन्हें चलकर रोकना होगा। चलो बेटा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।